हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला चैप्टर नंबर सिक्स, हार की जीत। ये कहानी है बाबा भारती की, जिनके पास एक घोड़ा होता है जो कि उनको बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। वो उस घोड़े की बहुत देखरेख करते हैं। एक दिन एक डाकू खड़क सिंह का दिल आ जाता है उस घोड़े पर, और वो घोड़े को उनसे चुरा कर ले जाता है। तब बाबा भारती उसको कुछ वाक्य बोलते हैं, जिसके कारण खड़क सिंह उस घोड़े को वापस कर जाता है और उसका दिल विह्वल हो जाता है और वो उस घोड़े को वापस कर जाता है। चलिए अभी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा सुंदर, बहुत सुंदर था, बहुत बलवान भी। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खर हरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख प्रसन्न होते थे। तो ये उनका घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था। वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिसके वजह से उन्होंने अपना सारा सामान छोड़ दिया था। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से दूर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसके चाल पर लट्टू थे। वे कहा करते थे, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। धीरे धीरे सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। खड़क सिंह को जब सुल्तान के बारे में उसको पता चला था, खड़क सिंह का हृदय उसे देखने को अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल हैं? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आए? बाबा भारती ने पूछा। सुल्तान की चाह खींच लाई, खड़क सिंह ने उत्तर दिया। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल होता है घोड़ों का रहने का स्थान। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहसों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की अधीरत से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौटने लगे। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। उसने जाते जाते कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय के स्वप्न के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखकर, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनती